सर, इसका फ्रंट स्पीकर ख़राब हो गया है। आप इसके फ्रंट स्पीकर को कैसे बदलेंगे, मैं आपको बताता हूँ सबसे सरल तरीका। ये ओप्पो का F1S मॉडल है, इसका फ्रंट स्पीकर जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो इसके फ्रंट स्पीकर को कैसे बदलेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ये इनबिल्ट सेट है, इनबिल्ट बैटरी का सेट है। इसके जो साइड है, ये बैक पैनल दिख रहा है गोल्डन गोल्डन, ये खुलेगा। अब ये कैसे खुलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पीछे का जो हिस्सा है इस पैनल को आपको खोलना है। यहाँ देखेंगे, ये मेरे पहले से खोल के रखा हुआ है, आपको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। ये खोलने के बाद आपको यहाँ पर चार पेज दिखेंगे, इन चारों पेजों को आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ से ये पैनल होता है, इस पैनल में प्रेस करना है आपको, साइड साइड से आपको ओपन करना है। यहाँ पे इस तरह से बैग बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको दिखेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ यहाँ सब पिन से लगा हुआ है, ये हिस्सा खोलना है पेज से, ये पेज खोलना है, यहाँ पेज है, यहाँ खोलना है। इस सारे पेज को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। उसके लिए सारे पेज को आप खोल लीजिए, सारे पेज को निकालने के बाद सारे पेज देखिए ओपन हो गए। अब इसमें ये सब चिमटी लगी हुई है। पहले आप क्या करिए, बैटरी के हिस्से का ये पहले ये हिस्सा है, ये निकाल लीजिए। उसके बाद इसको आप ओपन कर लीजिए। बैटरी आप इसको रिमूव कर लीजिए। उसके बाद जो हिस्सा है के बाद ये सारे पॉइंट को आप ओपन कर लीजिए। ये स्पीकर ये सारे, इसके बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। ये देखिए आपका
ये सारी के सारी सर्किट ओपन हो गई है। अब ओपन होने के बाद अब आप इसे कैमरा को रिमूव करके इस कैमरे को निकाल लीजिए। इसके बाद ये आपको साइड साइड में ऐसे करके पूरी की पूरी सर्किट आपकी, ये नेटवर्क एंटीना है, ये नेटवर्क वायर है, इसको भी आप यहाँ से ओपन कर लीजिए। तो ये सर्किट आपकी देखिए बाहर आ जाएगी। बाहर आने के बाद देखेंगे यहाँ पे स्पीकर का पॉइंट है 1 2। पहले आप इसे इस मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए। तो मल्टीमीटर से चेक करने के बाद आपका करंट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें करंट आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए सुई हिल रही है ऊपर, इसका मतलब कि ट्रैक आपका ठीक है। अब आपको स्पीकर चेक करना है। ये स्पीकर मैंने नया लगाया था, स्पीकर भी ठीक है, सुई भाग रही है, साउंड स्पीकर ठीक है। तो आपको नॉर्मली इसको वॉश कर देना है। अगर स्पीकर और यहाँ दोनों टिप है तो आपको क्या करना है, इसको वॉश करना है। अगर मॉइस्चर आ जाता है तो आपको इसको वॉश कर लेना है। उसके बाद आपको इसको फिट करना है। फिट करने के बाद इसमें देखिए वो जो स्पीकर है, इस टाइप का स्पीकर लगेगा, ये ओप्पो F1 का स्पीकर है। इसमें मैंने रिप्लेस करके चाइना का स्पीकर लगाया हुआ है। अब इसको रिमूव कर लीजिए, ये चाइनीज स्पीकर है। अब मैं मतलब चाइनीज़ ओरिजिनल स्पीकर है। अब मैं इसको रिप्लेस करूँगा, इससे मैच करा लीजिए। साइज तो ठीक दिख रहा है, ये देखिए। अब आप इसको रिप्लेस करके आपको जो स्पीकर लगाना है, अब उस स्पीकर को रिप्लेस करके इसमें फिट करके अब इसी जैसे प्रोसेस से आपने खोला है उसी प्रोसेस से आप स्पीकर लगा दीजिए, आपका सेट तैयार हो जाएगा। स्पीकर लगाने के बाद मैंने इसको फिट कर दिया है। अब मैं इसमें सारा फिटिंग करने के बाद नेटवर्क किट लगा दूँ। नेटवर्क का वायर है और उसके बाद मैं इसको बैटरी, यहाँ से बैटरी जो बैटरी का हिस्सा है, बैटरी निकाल के तब सारा पैनल निकालिएगा, और बैटरी लगाने से पहले सारा पैनल लगाने के बाद तो बैटरी लगाइएगा, वरना आपका फ़ोन शॉर्ट होने का डर रहेगा। बैटरी पॉइंट निकालने के बाद ही इन सब सारे जैकों को आप लगाइएगा। तो मैंने सारे जैक लगा दिए हैं, अब तो ये बैटरी यहाँ पर फुट कर रहा हूँ। ये होने के बाद मैं इसमें सिम लगा के मैं देखना चाहता हूँ, चेक करके कि पूरी फिटिंग करने से पहले देख लीजिए कि आपका ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये फ़ोन आप ऑन करिए, ऐसे देखिए फ़ोन ऑन हो जाएगा। फ़ोन ऑन होने के बाद आप इसे चेक करिए, फ़ोन ऑन होने के बाद आप इसे चेक करिए।
198। वहाँ के बाद मैंने इससे मिलता जुलता ये स्पीकर है, फ्रंट स्पीकर मैंने इससे मिलता जुलता ऐसा स्पीकर इसमें मैंने फिट किया है। फिट करने के बाद मैं इसका सारा पेच अभी लगाऊंगा। पेच लगाने के बाद नॉर्मली मैं इसको चेक करूंगा, 198 पे मैं चेक करूंगा, 198 कस्टमर केयर फ़ोन नंबर है, चेक करूंगा तो फ्रंट स्पीकर मेरा काम करने लगेगा। आप भी अपने शेड का इस तरह से लगा के आप चेक कर सकते हैं। ये आपको मैंने लगा दिया, अब इसको आपको ये बैक पैनल इसमें लगाना है। एकदम आसानी से लग जाएगा। अब इसे आपको चेक करना पड़ेगा। अब इसे आप इसमें आप सिम लगा के से सेट को ऑन करिए। इस स्पीकर देखिए नॉर्मल स्पीकर है, इसे लगाने से पहले आप एकदम अपना सावधानी बरतिएगा। एक एक पत्ते को आप आराम से ऊपर चिमटी से, प्लस वैसे तो मैंने मेटल चिमटी से निकाला है पर आप नॉर्मली उसको प्लास्टिक चिमटी से निकालिएगा। ये देखिए सेट ऑन हो गया। अब मैं इसे आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैंने 198 कस्टमर केयर पे फ़ोन किया है, कॉल करते हैं। ये आपका देखिए फ्रंट स्पीकर काम कर रहा है। और आपका बैक पर बैक स्पीकर भी देखिए काम कर रहा है। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को देखिए और कुछ सीखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।